शुभ संध्या मित्रों, आज हम आए हैं दीव, भारत के यूनियन टेरिटरी दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली के मुख्य शहर दीव में, जो गुजरात के दक्षिण और पश्चिमी समुद्र तट के किनारे पर बसा हुआ एक सुंदर टापू रूपी शहर है, जिसके खूबसूरत दृश्यों वाली जगहों का हम आपको भ्रमण करवाएंगे। हाँ, यहाँ की घूमने लायक जगह जो है इसका भ्रमण आपको करवाएंगे। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं प्रवेश द्वार, जो ऊना की तरफ से है, वहीं पे आया हुआ है ये पहला ढोगला बीच। खूबसूरत विकास यहाँ पर ढोगला बीच पर, आप बने रहिए मेरे साथ में। पहले अगर यहाँ पे कभी विजिट की रहेगी तो कांटेदार बबूल से भरपूर जंगल में घिरा हुआ था ये ढोगला बीच, मगर वर्तमान में भारत सरकार द्वारा और यहाँ की यूनियन टेरिटरी द्वारा टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट यहाँ पे किया गया है। दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी पार्किंग व्यवस्था और साथ में बहुत ही अच्छा प्लांटेशन भी नया किया गया है। बबूल निकाल दिए गए हैं सब और अच्छे प्राकृतिक के लिए बेहतर हो वैसे वृक्षों का रोपण हुआ है। बढ़िया सा लंबा पार्किंग फ्लोरिंग के साथ में अच्छा डेवलपमेंट। बाम्बू स्ट्रक्चर से खूबसूरत नए निर्माणाधीन कंप्लीट हो चुका है इसका निर्माण। डेवलपमेंट पार्क का नाम ढोगला सी फ्रंट पार्क। यहाँ पर अभी कुछ ठेले भी लगे हैं जहाँ पर नारियल पानी नाश्ते वगैरह का है, तो आपको ले चलते हैं ढोगला बीच पर, जहाँ आपको खूबसूरत डेवलपमेंट का और एक शानदार बीच का नज़ारा देखने को मिलेगा। लगभग दर्शकों की पहली पसंद। ये प्रवेश यहाँ से, ये डेवलपमेंट पार्क बहुत अच्छा होगा, लैंडस्केपिंग का काम। लाइटिंग पर्यटकों के लिए जिम इक्विपमेंट्स, शानदार लैंडस्केपिंग, खूबसूरत बीच का नज़ारा यहाँ से। दृश्यों को अच्छे से देखने के लिए यहाँ पर एक वॉच टावर बनाया गया है बाम्बू का, बहुत ही खूबसूरत। हम लोग वॉच टावर से देखेंगे बीच कैसा दिखता है। खूबसूरत वॉच टावर, चारों तरफ हरा भरा बना दिया इस बीच को। बाकी की यात्री सुविधाओं से परिपूर्ण। खूबसूरत नज़ारा यहाँ से समुद्र का आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया वॉच टावर बनाया है। चारों तरफ नीला और स्वच्छ समुद्र, एक हरा भरा
शानदार स्वच्छ और क्लीन पानी वाला ढोगला बीच। दूर दूर तक आपको पर्यटक दिख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी होती है। बहुत ही बढ़िया वॉच टावर, प्रकृति के अनुरूप, केवल बांबू स्ट्रक्चर से डेवलप्ड, फ्लोरिंग, रेलिंग, उसकी छत सभी की सभी बांबू से। हमारे साथ में हमारे कुछ विजिटर हैं, पर्यटक हैं, जो वॉच टावर से सूर्यास्त का शानदार नज़ारा यहाँ से देख रहे हैं। ग्रीनरी, सूर्यास्त और उसके साथ में खूबसूरत ये ढोगला बीच जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद में ऐसा लग रहा है कि जैसे बस शांति से देखते ही जाएं। सामने पैराग्लाइडिंग जैसा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी दर्शकों के लिए और यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए भी। ढोगला बीच करीब 2 किलोमीटर की लंबाई है। ये एंट्री पॉइंट से स्टार्ट होकर ढोगला के ब्रिज तक करीब 2 किलोमीटर लंबा बीच है और उसका 2 किलोमीटर लंबा डेवलपमेंट हुआ है। आप देख सकते हैं शानदार लाइटिंग व्यवस्था की है, अच्छे प्लांटेशन हुआ है और साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता है। और यहाँ पर आने वाले पर्यटक जो पानी में नहा के आते हैं उनके लिए चेंजिंग रूम, टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था, शॉवर के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ब्लू फ्लैग मिला है। सामने जो आप ध्वज देख रहे हैं वो ब्लू फ्लैग के हैं, भारत के टॉप 10 बीचों में से एक। नीट एंड क्लीन पानी के साथ में बहुत ही खूबसूरत ये चेंजिंग रूम और टॉयलेट ब्लॉक्स और ये वॉशरूम बनाए गए हैं। हुक्का ट्री से आच्छादित यहाँ का दीव और ऊना डिस्ट्रिक्ट का फेमस, जो वैसे नेटिव अफ्रीकन पेड़ है ये। आने वाले पर्यटकों के लिए घूमने की दृष्टि से बहुत ही बेहतर और उचित स्थान ढोगला। सेफ्टी के लिए, सेफ्टी गार्ड के लिए वॉच टावर बने हुए हैं जहाँ से नज़र रखी जाती है कि कोई व्यक्ति अगर गहरे पानी में चला जाए तो उसे बचाया जा सके।
ये पीछे होटल है सी व्यू, स्टे के लिए बहुत अच्छी होटल है। पार्किंग व्यवस्था बहुत अच्छी डेवलप की हुई है। यहाँ पर कुछ आज सांस्कृतिक कार्यक्रम था इंडियन टेरिटरी के द्वारा, स्पेशली गोवा जैसे और केरल जैसे क्लीन बीचों से भी खूबसूरत मुझे ये बीच लग रहा है यहाँ पे। ब्लू फ्लैग खूबसूरत बीच और अच्छे डेवलपमेंट के लिए। तो आइए दीव की मुलाकात पर और लीजिए एक खूबसूरत मुलाकात इस शानदार और खूबसूरत बीच की बेहतरीन नज़ारों से। रूबरू हुई आकर आप गोगला में, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हो रहा है पेंटिंग्स का। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले स्पॉट के साथ में। एक बार फिर आपका स्वागत है दीव और इस गोगला बीच पर। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हम दीव के विश्व प्रसिद्ध गंगेश्वर महादेव मंदिर में आए हैं अभी, जहाँ पांडवों के द्वारा स्थापित 5 शिवलिंग हैं और उसका अभिषेक समुंदर खुद करता है। गंगेश्वर महादेव की ये केव समुद्र किनारे स्थित इस गुफा में बहुत ही भव्य शिवलिंग यहाँ पर, जहाँ समुंदर जब ज्वार भटा होता है तो यहाँ से लहरों का पानी मंदिर में प्रवेश करता है और यहाँ से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक होता है। ये गंगेश्वर महादेव मंदिर है जिसे पांडवों ने बनाया था। यहाँ 5 शिवलिंग है और ये देखिए किस तरह समुंदर इनका प्रज्वलन कर रहा है। Thank you.
चालू छे वच्चे वच्चे चालू कर दू चालू छे આવશે લોકો બોર વિડિયો ઉતારે ફોટા આવા વિડિયો ઉતારવાનો જો વિડિયો તો ઉતારી દીધો ને અરે આપણે ઉતારવાનો હોય આપણે બેનો વિડિયો આ ના ના ઉતારે ભરતીનો વિડિયો આ ઉતારશું પણ એક ફોટો તો લઈને Thank you.